सब्सक्राइब कीजिए टेक टच चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 7 पीसी में स्टार्टअप स्प्लैश स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे विंडोज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, उसके बाद आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को आप ओपन करना है, उसके बाद आपको जाना है बूट में। यहाँ पे देखिए नो GUI बूट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड चेक करना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन पूछेगा, सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आपको स्टार्टअप स्प्लैश स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से विंडोज 7 पीसी में स्टार्टअप स्प्लैश स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों आज की वीडियो बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक टच चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।